सब्सक्राइब कीजिए हमारे होटक उर्दू चैनल को और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन वाले बटन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वारिस और आप देख रहे हैं होटक उर्दू। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कलर स्क्रीन पे अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो किसी का भी फ़ोटो अपनी इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ और मैं किसी और नंबर से कॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका फ़ोटो जो है वो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे शो होगा। तो हम किसी और नंबर से कॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो के साथ बने रहिए। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे अपना फ़ोटो लगाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम हमारे पास होगा HT Phone 7 और इस एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है इसका नाम इंटर करके प्ले स्टोर में जाके इजीली वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको ओपन कर लेते। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे वो परमिशन मांगेगा, तो आपने यहाँ से अलाउ परमिशन पर क्लिक कर देना है। अलाउ परमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इनको अलाउ कर देना है, यानी आपने इनको परमिशन दे देनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे वो पूछेगा नोटिफिकेशन एक्सेस, तो यहाँ आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है, तो इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम बैक चले जाएँगे। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको कोने पर एक टिक का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आपसे कहेगा कि आप प्राइवेसी पॉलिसी को ज़रा पढ़ लें और यहाँ से आप एग्री हो जाए, तो यहाँ से आपने एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अलाउ हो जाना है। तो दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है कि आप इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप इनकमिंग कॉल वाला ऑप्शन जो है वो ऑन रहने दें और अगर आप आउटगोइंग कॉल स्क्रीन पर अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो आप दोनों पे अगर लगाना चाहते हैं तो दोनों को आप जो है वो ऑन रहने दें, अदरवाइज़ आप एक ऑफ़ कर सकते हैं या चाहे तो आप दोनों ऑन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपने अपना फ़ोटो कैसे लगाना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चेंज बैकग्राउंड वाला। जी हाँ दोस्तों, चेंज बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेंज बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बैकग्राउंड मिल जाएंगे, कोई भी आप यहां से स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आप इसमें से नहीं लगाना चाहते तो यहां पे आपको कोने में क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी से कोई फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहां से जो आपको जो फ़ोटो सेलेक्ट करके दिखा देता हूं कोई भी, जैसे मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी ये फ़ोटो सेलेक्ट हो जाती है तो हम इसको डन पर क्लिक कर देंगे, इसको हम डन कर देते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपके इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलर स्क्रीन पे ये फ़ोटो अब सेट हो गया है। तो मैं अभी आपको यहाँ से कॉल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से अपनी इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे कोई भी फ़ोटो सेट कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना फ़ोटो भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।